आज हमारे पास है एक डिसम्बर रजिस्टर्ड 2020 महिंद्रा थार, एंड ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले बात करते हैं प्राइसिंग। ये कार डिसम्बर रजिस्टर 2020 मॉडल थार आपको मिल रही है मोहित तनाजा कार डील्स पर 16 लाख रुपीस की, एंड ये मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज डील है, क्योंकि मोहित तनाजा कार डील्स आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ट्रांसफरशिप टू द कार इन एनी स्टेट इन इंडिया, एंड सर्विसिंग ऑफ द कार इवन आफ्टर यू बाय द कार जैसी फैसिलिटीज भी देता है। वंस अगेन, अगर आपको इस कार में या लग्जरी सेगमेंट में किसी भी कार में या फिर यूज कार मार्केट में किसी भी कार में इंटरेस्ट हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, या तो कॉमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उससे हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अब शुरू करते हैं इस रिव्यू को स्टाइलिंग से, एंड स्टाइलिंग इस महिंद्रा थार की, इस जनरेशन महिंद्रा थार की इनफैक्ट सबसे ज़्यादा की फैक्टर रही है, बिकॉज इन्होंने स्टाइलिंग जीप रैंगलर से बहुत ज़्यादा सिमिलर रखी है। एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इस बार महिंद्रा थार की सेलिंग इतनी ज़्यादा है। आज की डेट में अगर आप नई महिंद्रा थार लेने जाएंगे तो उस कार की वेटिंग पीरियड अराउंड 1 से 1.5 साल तक है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। बट एनीवेज, स्टिल अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें, तो आप हेडलैम्प्स की तरफ अगर देखेंगे, आपको वही सर्कुलर टाइप के हेडलैम्प्स मिलते हैं हैलोजन हेडलैम्प्स के साथ। साथ में आपको यहीं पर DRLs एंड इस कार के इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इस कार के फ्रंट फेंडर पे, मेन बॉडी पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। महिंद्रा की बैजिंग आपको फ्रंट एंड क्लियर बिल्कुल ग्रिल के ऊपर देखने को मिलती है, एंड इस कार का जो बम्पर है वो कार से कुछ 6-8 इंचेस बाहर निकलता हुआ आता है बिल्कुल रैंगलर की तरह, एंड उसके अंदर आपको थार की बैजिंग देखने को मिलती है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्टाइलिंग क्यू फॉर द कार। अनडाउटेडली महिंद्रा थार देखने में एक बहुत सुंदर कार है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी यूनिक चीज़ जो मेरे को थार की लगी वो है, इस कार के साइड प्रोफाइल में आपको बैजिंग बहुत ज़्यादा मिलती है थार की, 4 बार टू बी स्पेसिफिक। इस कार का जो ORVM है, थार की बैजिंग उस पर मिलेगी, फ्रंट फेंडर पर आपको थार की बैजिंग मिलेगी, यहाँ तक कि इस कार के जो अलॉय व्हील्स हैं उस पर भी आपको थार की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, विच इज़ वेरी यूनिक टू द महिंद्रा थार। एक और यूनिक चीज़ जो मेरे को इस कार की अच्छी लगी वो है इस कार का टर्न इंडिकेटर। वैसे यूजुअली अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, या तो आपको ORVM पे मिलता है या फिर फ्रंट फेंडर पे मिलता है कुछ कार्स में, लेकिन इस कार के व्हील वेल के ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है इस कार का टर्न इंडिकेटर। वंस अगेन, अ यूनिक थिंग टू द महिंद्रा थार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कार के अंदर जो क्रोम फिनिशेस दिए गए हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक तो आपका जो थार का ये लोगो है ये क्रोम फिनिश्ड है, एंड इस कार का जो आपको डोर हैंडल मिलता है वो भी क्रोम फिनिश्ड है, लेकिन ये कार में एक्सेसरी लगाई गई है। यूजुअली अगर आप थार लेंगे उसमें आपको क्रोम हैंडल्स नहीं मिलते। एंड देन ओवरऑल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कार का जो 2-डोर डिज़ाइन है दैट टू लुक्स वेरी गुड। देख सकते हैं आप, सिर्फ आगे एक ही दरवाज़ा दिया गया, रियर सीट्स के लिए आपको दरवाज़ा नहीं मिलता, वो आपको फ्रंट सीट्स के थ्रू ही क्लाइम इन करना पड़ता है। अब अगर करें इस कार की रियर डिज़ाइन की बात, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार का जो बॉक्सी डिज़ाइन है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको रियर से ही पता चलता है, क्योंकि फ्रंट में भी आपको थोड़ा कर्वेशस दिखता है, साइड में भी थोड़े बहुत कर्व्स दे रखे हैं, लेकिन रियर डिज़ाइन इस कार का ऐसा डिज़ाइन है कि बिल्कुल बॉक्स टाइप डिज़ाइन, जैसे प्रॉपर एक थार का होना चाहिए वैसा है। वंस अगेन, अगर हम थार की बात कर ही रहे हैं, बैजिंग इस कार में बहुत प्रोमिनेंट दी गई है, इस कार के टेल लैंप्स पे, इस कार के पीछे वाले अलॉय व्हील पर, हर जगह थार की बैजिंग आपको देखने को अभी भी मिलेगी। ओवरऑल इस कार का जो रियर डिज़ाइन है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, एंड इट इज़ जस्ट लाइक एनी जीप डिज़ाइन, जैसे कि एक्चुअली होना चाहिए। इस कार को एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली लुक जो है, इस कार का रियर डिज़ाइन मेरे हिसाब से कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं इस कार के अंदर फीचर्स की। सबसे पहले तो अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, तो हमें एक रबराइज स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस कार के अंदर, जिसके अंदर हमें मल्टी फंक्शनिंग बटन्स देख रखे हैं। ये बटन हमारे पास आ जाते हैं इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ हमारे पास बटन आ जाते हैं इस कार की वॉइस कमांड के लिए एंड क्रूज कंट्रोल के लिए। बाकी अगर हम बात करें इस कार की ड्राइवर डिस्प्ले की, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलती है, एंड इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास जो बटन दिए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। अब इसको यूज़ एक्चुअली कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारे पास मेन डिस्प्ले है, तो हमारे पास उसके अंदर ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन, एंड सारा ओडोमीटर वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। अगर हम स्क्रीन एज इट इज़ चेंज करनी हो, तो हमारे पास ये बटन दिया गया है। इसको चेंज करने से हमारे पास एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी इस कार की रेंज आ जाएगी,
एंड ऑल ऑफ दैट फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट अप हमारे पास आते हैं इस कार के अंदर हमारा डिजिटल स्पीड आउट रीडर, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है इस कार की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास ऑफ रोडिंग इक्विपमेंट है इस कार के अंदर उसकी. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेस दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टायर्स में कितने डिग्री पे हमारे टायर्स एक्चुअली मुड़े हुए हैं, वो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मिलती है. तो ऐसी बहुत सारी डिस्प्लेस दे रखी हैं इसके अंदर जो कि ऑफ रोडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छी है. एंड स्पेशली क्योंकि महिंद्रा थार इस बार एक ऑफ रोडिंग कार के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होने से हमें हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है इस कार के अंदर. एंड देन हमारे पास इस कार के अंदर आ जाते हैं इस कार के अलर्ट्स, जिसके अंदर जितनी भी हमारे कार में वार्निंग्स हैं वो सारी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं इस कार के अंदर सेटिंग्स, तो वो तो सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम ऑलमोस्ट हर कार के अंदर ही देखने को मिलती हैं, वो आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी. तो ये था इस कार के बारे में जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन. अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें तो यूजेबिलिटी में तो ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ईजी है. सारे जितने भी हमारे पास फेवरेट बटन आते हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल रेडियो, कॉलिंग, कार इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले बंद ऑन करने के सारे बटन्स, कस्टमाइजेबल बटन, वो सारे बटन्स आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके में नीचे दिए गए हैं फॉर ईज ऑफ यूज़. एंड देन ये डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. मीडिया के लिए अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होता है तो आप ब्लूटूथ मीडिया यहाँ से देख सकते हैं. रेडियो का बटन यहाँ दिया गया है. एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है इसके अंदर, आप देख सकते हैं जितनी भी इस कार के अंदर ऑफ रोडिंग चीज़ें आती हैं वो सारी देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी रियल टाइम में पावर कितना यूज़ कर रही है आप देख सकते हैं. अगर मैं रेव कर रहा हूँ इंजन को तो यहाँ पर आपको रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है. टॉर्क एंड पावर फिगर्स की हमारे पास आ जाती है इस कार की. डिजिटल स्पीड आउट रीडर यहाँ पर, कंपास की आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, एंड जी फोर्स मीटर तक मिलता है विच इज़ वेरी गुड. एंड ये सब फीचर्स सिर्फ और सिर्फ ऑन रोड जो है उनके लिए आ जाते हैं. अगर हम ऑफ रोड के अंदर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर कितने हम लेवल पे खड़े हैं, क्या हमारा एंगल है ऑफ बीइंग स्टेशनरी, क्या हमारा गियर है, हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो कितने ज़्यादा मुड़ा हुआ है इस टाइम पर, एंड वो सारी चीज़ें आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलेंगी विच फॉर अ ऑफ रोडर इज़ वेरी वेरी यूजफुल. बट देन अगर हम चलें इस कार के मेन स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा, फ़ोन कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, नेविगेशन इस कार में आपको देखने को मिलती है, कार इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपको जितने भी इस कार के अंदर टायरट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि अभी हमारे जो पीछे वाले टायर हैं उसके अंदर हवा थोड़ी सी कम है, बट इट्स अ वेरी ईजी फिक्स हम यहाँ पर कर सकते हैं. बट इस कार ने हमें उस चीज़ के बारे में वार्निंग दे दी है विच इज़ क्वाइट गुड. एडवेंचर कनेक्ट आपको देखने को मिलता है विच इज़ इस कार की कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं इस कार में कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपकी कार क्या है, कहाँ पर है, किस तरह कितनी स्पीड पर जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पर देखने को मिल जाती है विच इज़ द एडवेंचर कनेक्ट फॉर दिस कार. इकोसिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी आपको एक तरह से एक स्कोर देती है कि आप कितना अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं. इस टाइम पे इस कार के प्रीवियस ओनर को 71 स्कोर मिल रखा है विच इज़ क्वाइट गुड. एंड ये जैसे कि आप देख सकते हैं अब 70 हो चुका है, काफ़ी नीचे जा रहा है बिकॉज हम काफ़ी देर से आइडलिंग कर रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं चल नहीं रही है इसलिए आपका स्कोर कम होता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड स्मॉल लिटिल अलर्ट टाइप ऑफ थिंग जिससे कि आप अपनी गाड़ी में बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ला सकते हैं. देन हमारे पास DRL, फ्यूल इन्फो, सर्विस इन्फो जैसी नॉर्मल चीज़ें आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगी. होम स्क्रीन पर अगर हम वापस जाएँ तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट अप हमारे पास आते हैं सेटिंग्स and e-manual. Once again, very standard features for an infotainment display like this. तो ये तो थे इस कार के वो सारे important features जो कि आपको महिंद्रा थार के अंदर मिलते हैं. नेक्स्ट आप अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास AC कंट्रोल्स आ जाते हैं विच इज़ नॉट ऑटोमेटिक इन दिस कार, आपको नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल्स ही देखने को मिलते हैं. देन उसी के नीचे आपका यहाँ पर सारे वार्निंग सिम्बल्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल इस टाइम पे पैसेंजर एयरबैग ऑन है, अगर आपका एयरबैग ऑफ होता तो ये लाइट ऑन हो जाती, सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ दी गई है, एंड स्पेशली ऐसे ही कुछ ब्लैंक बटन्स भी दिए गए हैं ताकि आप यूज़ कर सकें उसको डेली बेसिस पे. एंड देन नेक्स्ट आप हम नीचे अगर देखें तो इस कार के अंदर हमारे पास कनेक्शन की जैसे कि चार्जिंग के लिए USB कनेक्शन फॉर Apple CarPlay और Android Auto आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस कान के अंदर. यहाँ पर अगर देखें तो ये परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है. पहले तो आपको एक यहाँ पर 6th गियर तक का ट्रांसमिशन मिलता है मैनुअल इस कार के अंदर, बट देन यहाँ पर आपको 2H, 4H न्यूट्रल एंड 4L मिलता है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप बहुत हल्की ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप 4H में रख सकते हैं गाड़ी को, 2H आपके नॉर्मल हाईवे या फिर ऑन रोड चलाने के लिए है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है, एंड देन 4L आप तब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कार एक 4x4 कार है. तो अगर आप कोई काफ़ी हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप इस कार को 4L में डाल सकते हैं जो कि इस कार को फर्स्ट गियर के अंदर लॉक कर देगा, एंड आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है इस कार के चारों व्हील्स के अंदर. अगेन अ क्वाइट निफ्टी लिटिल थिंग. एंड देन वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द महिंद्रा थार वो ये है कि ये कार एक हार्ड टॉप कन्वर्टेबल है, तो आपको 15-20 मिनट लगते हैं लेकिन आप इस कार की ये पीछे वाला
और ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय दिस कार एज अ कन्वर्टेबल। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो इस कार के ग्लव बॉक्सेस शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की होल दे रखा है ताकि आप इसको लॉक कर सकें, तो दैट इज क्वाइट सिक्योर। बट देन अगर आप इस कार का ग्लव बॉक्स खोलें तो इट इज वेरी स्मॉल, मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लव बॉक्स जो मैंने किसी भी कार में आज तक देखा है। बट स्टिल अगर हम ग्लव बॉक्स की एज इट इज बात करें तो आप इसके अंदर कुछ सामान तो रख सकते हैं। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छी स्टोरेज का भी मिलती है, फोन वगैरह रखने के लिए, चाबियां वगैरह रखने के लिए काफी यूजफुल चीज है ये। डोर पॉकेट्स की अगर हम बात करें इस कार के अंदर तो यहाँ पर आप एक 1 लीटर बॉटल रख सकते हैं, साथ में बहुत छोटी सी स्टोरेज का भी दे रखी है जिसके अंदर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। रियर प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर तो आपको सीट पॉकेट मिलती है फॉर द ड्राइवर सीट एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट। नीचे की सेंटर कंसोल में भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं एंड रियर सीट में इसके अलावा आई डोंट थिंक आपके पास और कुछ मिलता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि ट्रंक की तरफ आए इस कार की तरफ तो अभी आप देख सकते हैं इस कार की पीछे वाली सीट्स दोनों ऊपर हैं, तो भी आपके पास ट्रंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू लाइक अदर कार्स जिसके अंदर आप आराम से कुछ मेरे हिसाब से बैकपैक्स रखते हैं, 3-4 बैकपैक्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर। बट देन अगर आप इस कार की रियर सीट्स हैं जो उनको नीचे कर दे तो आप देख सकते हैं अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाती है, तब तो आपको आई डोंट थिंक कोई भी इशू आएगा कुछ भी सामान रखने में इस कार में। एंड अब बात करते हैं इस कार के अंदर कंफर्ट की। आप देख सकते हैं मैं अभी ड्राइवर साइड सीट में बैठा हुआ हूँ एंड इस कार की जो हमें लेदर एंड फैब्रिक सीट्स कंबाइंड मिलती हैं वो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगी, अच्छे से ग्रिप करने वाली हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने लेदर और फैब्रिक कंबाइंड क्यों बोला, इस कार का जो मेन पोर्शन है जिस पर आप एक्चुअली सिट करते हैं वो है इस कार का फैब्रिक, लेकिन आप अगर साइड बलस्ट्रिंग वगैरह देखेंगे उन सब के अंदर आपको लेदर इंसर्ट्स दिए गए हैं। बट ओवरऑल एक इनिशियल इंप्रेशंस के लिए मुझे इस कार की सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लाइक ओवरऑल लॉन्ग रोड ट्रिप जाने में मुझे कोई इशू नहीं आएगा इस कार के अंदर। ऑब्वियसली फ्रंट सीट होने की वजह से मैं सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, इस कार के बैकरस को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, हाइट एडजस्टेबिलिटी भी आपको इस कार में मिलती है एंड इस कार के अंदर आपको लंबा सपोर्ट भी मिलता है जो कि साइड में दे रखा है, लेकिन वो मैनुअल है तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ और ड्राइवर कंफर्ट की बात करूँ तो इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है तो वो भी आपको एडजस्टेबल मिलता है सिर्फ और सिर्फ टिल्ट में, आगे पीछे की मूवमेंट यानी कि टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इस कार में नहीं मिलता, तो ये भी चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से फ्रंट सीट्स के अंदर तो एटलीस्ट ये एक काफ़ी कंफर्टेबल कार है, देखते हैं इस कार के रियर सीट्स में क्या सिचुएशन है। बट रियर सीट में जाने से पहले बात करते हैं रियर सीट में एक्चुअली जाते कैसे हैं, क्योंकि इस कार के अंदर आपको पीछे वाले दरवाजे तो मिलते नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बिल्कुल पैसेंजर साइड सीट के ऊपर एक बटन दिया है, उसको आप खींचे एंड आपकी सीट जो है वो आगे हो जाएगी एंड देन आप उसको आगे पुश करके पीछे जा सकते हैं। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, मैं अभी ये चीज़ करने के लिए पैसेंजर साइड सीट पे आया हूँ लेकिन जब मैंने फ्रंट कंफर्ट किया था तो मैं ड्राइवर साइड पे बैठा हुआ था। ऐसा मैंने क्यों किया, वो इसका रीज़न ये है कि ये जो बटन आपको मिलता है एक सीट आगे करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर साइड सीट पे ही है। अगर आपको ड्राइवर साइड सीट से अंदर जाना हो तो आपको 2 अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको सीट के नीचे से वो लेवर उठाकर सीट आगे करनी पड़ेगी अलग से एंड देन आपको इसका बैक रेस्ट ये वाला बटन खींच के आगे करना पड़ेगा अलग से। तो ड्राइवर साइड सीट पर थोड़ा सा ज़्यादा झंझट रहता है, पैसेंजर साइड सीट पर आपको कम झंझट रहता है एंड ऊपर से जगह भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है पैसेंजर साइड सीट पर आपको अंदर जाने की। ये सेम चीज़ आपको ड्राइवर साइड पे क्यों नहीं मिलती मुझे नहीं पता, बट अगर वो दे देते तो थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ ज़रूर रहती। तो अब अगर मैं इस कार की रियर सीट के अंदर आता हूँ तो सीट मटेरियल तो ऑब्वियसली फ्रंट जैसा बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं मिलती, वही लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन आपको रियर में मिलता है, वही सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स रियर में भी है एंड एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इस कार के अंदर आपको रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेग रूम और हेड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो हेड स्पेस आप देख सकते हैं मेरे पास आराम से 4-5 इंच होगा विच इज़ वेरी गुड। अगर मेरे से भी एंड मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, इनफैक्ट 6'2" हाइट है मेरी विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल एंड अगर मेरे से भी कोई लंबा या फिर किसी ने अगर टर्बन भी पहनी होगी आई डोंट थिंक उनको यहाँ इशू आएगा। लेग रूम की अगर हम बात करें तो पहले मैं इस कार की सीट को पीछे कर देता हूँ एंड हालांकि ये जो सीट है वो अभी अपने बिल्कुल फर्दर बैक पोजीशन में है, मेरे पास अभी भी कम से कम 1 इंच का लेग रूम है, तो मेरे हिसाब से कोई इशू वाली बात नहीं आपको मिलेगी इस कार के अंदर। लेग रूम वाइज, कंफर्ट वाइज, सब कुछ इस कार के अंदर बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ जो छोटी सी मुझे लगी इस कार के अंदर वो ये है कि आपको पीछे वो शीशे नहीं मिलते कि आप शीशे नीचे कर सकें, दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ अ 2-डोर कार, वही सेम ड्रॉबैक आपको इस कार में भी मिलता है एंड दैट इज़ दी ओनली वन थिंग दैट आई हैव फाउंड टू बी अ लिटिल ट्रबलसम।
एंड सो ये था एक डिटेल रिव्यू 2020 महिंद्रा थार का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।